नमस्कार, रेडियो मंडलायन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। अदानी ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड इशू को मिला कैसा रिस्पांस? आरबीआई ने किस पर लगाई गोल्ड लोन देने पर रोक? एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से किस बात के लिए मांगा समय, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। आरबीआई ने IIFL फाइनेंस पर नई गोल्ड लोन देने पर रोक लगा दी है। हालांकि कंपनी अपने पुराने ग्राहकों को सेवाएं देना जारी रख सकती है। कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में नियमों का उल्लंघन किया गया है। पोर्टफोलियो में सुपरवाइजरी गड़बड़ियां मिली हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो में नियमों का उल्लंघन किया गया है। आरबीआई की ओर से कंपनी के कामकाज का स्पेशल ऑडिट किया जाएगा, जिसके बाद लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा होगी। आरबीआई की कार्रवाई के चलते आज IIFL फाइनेंस का शेयर 20% के निचले सर्किट पर 477.75 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स के शेयर ने दिन के दौरान 1,065.60 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। दरअसल बोर्ड ने अपने कारोबार के दो अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में डी मर्जर को मंजूरी दे दी है। एक कंपनी में CV कारोबार और उससे जुड़े निवेश होंगे और दूसरी कंपनी में PV, EV, JLR और इनसे जुड़े निवेश होंगे। डी मर्जर की ये प्रक्रिया पूरी होने में 12 से 15 महीने का समय लगेगा। डी मर्जर की घोषणा के बाद ही शेयर ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। हालांकि अंत में ये 3.5% गिरकर 1,022.60 रुपए पर बंद हुआ। स्पाइस जेट का शेयर आज करीब 4% की बढ़त के साथ 65 रुपए तक उछल गया था। दरअसल इस कंपनी ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी क्रॉस ओशियन पार्टनर्स के साथ चल रहे 93 करोड़ रुपए के विवाद को सुलझा लिया है। दोनों कंपनियों ने इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ज्वाइंट अनाउंसमेंट किया है। कारोबार की समाप्ति पर स्पाइस जेट का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 63.71 रुपए पर बंद हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी के $40 करोड़ के बॉन्ड इशू को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। इस इशू को निवेशकों से करीब $3 अरब यानी कि 7 गुना से ज्यादा बोलियां मिली हैं। ये बॉन्ड्स 6.7% के कूपन रेट पर जारी किए गए हैं, जबकि अनुमान करीब 7.1% का था। कारोबार के अंत पर आज अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर हल्की बढ़त के साथ 1,943 रुपए पर बंद हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को RBI ने मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होने वाले इस मर्जर के बाद फिनकेयर की सभी ब्रांच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से काम करेंगी। दोनों बैंकों के बीच ऑल स्टॉक मर्जर के जरिए ये प्रक्रिया पूरी होगी। इस मर्जर के तहत फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर धारकों को अपने 2,000 शेयरों के बदले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 589 शेयर मिलेंगे। खबर के चलते आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 571.90 रुपए पर बंद हुआ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि KIMS ने ठाणे में 300 बेड का हॉस्पिटल खोलने के लिए 2.59 एकड़ जमीन लीज पर लेने के लिए करार करने की घोषणा की है। यह हॉस्पिटल 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जो कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही से शुरू होने का अनुमान है। खबर के चलते आज KIMS का शेयर करीब 2% गिरकर 2,120 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। बजाज ऑटो का शेयर बायबैक 6 से 13 मार्च तक खुलेगा। टेंडर रूट के जरिए 10,000 रुपए के भाव पर कंपनी 40 लाख शेयरों की खरीद पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। संस्थागत निवेशकों के 42 शेयरों के बदले एक शेयर खरीदा जाएगा, यानी 1.22% की एक्सेप्टेंस रेशियो होगी। वही रिटेल निवेशकों के 27 में से एक शेयर बायबैक में टेंडर होगा, यानी एक्सेप्टेंस रेशियो 25.9% होगी। खबर के चलते आज बजाज ऑटो का शेयर करीब 2% की बढ़त के साथ 8,350 रुपए पर बंद हुआ। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी लैंको अमरकंटक पावर के बैंकों की समिति यानी कि COC ने अदानी पावर के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का पावर प्लांट चलाने वाली इस कंपनी के लिए अदानी पावर ने दिसंबर 2023 में 4,100 करोड़ रुपए की संशोधित बोली जमा की थी। खबर के चलते आज अदानी पावर का शेयर कमजोर बाजार में भी करीब 3% की बढ़त के साथ 576 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम और दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाली कंपनी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने कहा है कि फूड रेगुलेटर FSSAI ने मैकडॉनल्ड्स इंडिया की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले चीज को 100% रियल चीज के रूप में सत्यापित किया है, यानी कि कंपनी को FSSAI से क्लीन चिट मिल गई है। कंपनी की ओर से कुछ बर्गर और नजट्स में चीज के विकल्प का उपयोग करने का आरोप लगने के बाद इस रेस्टोरेंट चेन ने पहले महाराष्ट्र में अपने मेन्यू से चीज शब्द को अस्थायी रूप से हटा दिया था। खबर के चलते वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड का शेयर आज कमजोर बाजार में भी करीब 7% की बढ़त के साथ 787 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। SBI ने समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। खबर के चलते आज SBI का शेयर 1.5% से ज्यादा उछलकर 784.60 रुपये पर बंद हुआ और इंट्राडे में शेयर ने 786.95 रुपये का रिकॉर्ड ऊंचाई भी छुआ था। अब बात प्राइमरी मार्केट की। IPO बाजार में आज दो नई कंपनियों ने दस्तक दी। एक्सीकॉम टेलीसिस्टम्स का शेयर 142 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 46.6% प्रीमियम के साथ 265 रुपये पर लिस्ट हुआ और कारोबार की समाप्ति 265 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 14% नीचे यानी कि 228.40 रुपये पर हुई। वहीं प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का शेयर 171 रुपये के इश्यू प्राइस से 31.5% ऊपर 225 रुपये पर लिस्ट हुआ। हालांकि शेयर की क्लोजिंग 225 रुपये की ओपनिंग प्राइस से 1.5% नीचे यानी कि 221.50 रुपये पर हुई। JG केमिकल्स के IPO को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया और पहले दिन के अंत पर इस IPO को कुल 2.46 गुना ज्यादा बोलियां मिली हैं। वहीं 4 मार्च को खुले RK स्वामी के IPO को दूसरे दिन के अंत तक 6 गुना से ज्यादा बोलियां मिल चुकी हैं। 270 से 288 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस IPO के जरिए कंपनी की कुल 423.56 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो Money9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे Money9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद।